एवरी वन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की सब्ज़ी बेडमी पूड़ी के साथ। ये सब्ज़ी समोसे कचौड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप वैसे भी डेली बेसिस पे इसे बना सकते हैं, रोटी परांठे के साथ भी अच्छी लगती है। कढ़ाई को हमने गर्म करने रख दिया था। इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है, इसको गर्म होने देंगे और इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 लौंग, 1 तेज़पत्र, 1 रेड ड्राई चिली, 1/2 चम्मच जीरा, 8-10-20 हमने खड़ा धनिया इसमें ऐड किया है। इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे, इन्हें भी फ्राई होने देंगे। बहुत आसान रेसिपी है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के हमने कट करके रखे हुए थे, इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब हम इसमें 1 पिंच सौंठ, जो अदरक आती है सूखी वाली, उसको हमने ऐड किया है। आप अदरक भी इसमें डाल सकते हैं और लहसुन प्याज के साथ भी इस वेजिटेबल्स को बना सकते हैं। अब हम इसमें काली मिर्च और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। काली मिर्च हमने 5-6 कूट कर ऐड की हैं और 2 बॉइल्ड आलू मैश करके इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करो। ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप इसे पूड़ी पराठे के साथ जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो इस तरह वेजिटेबल्स बनाकर ले जा सकते हैं, पर हम यहाँ बेडमी पूड़ी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो वो सब्ज़ी थोड़ी रसीली होती है, तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी रसीली सब्जी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए और इसे बॉइल्ड होने देंगे। अच्छे से बॉइल आ जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए सब्जी तैयार है और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।